शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो है हमारा क्लीन ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो आपने सुनी होगी जिसमें बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फंड uh, जिसमें मिल जाता है जो भी अकाउंट होल्डर है अब समझते हैं क्लीन ओवरड्राफ्ट क्या है यहां पे सिंपली क्लीन वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड है जब बैंक कोई लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो उसके रिटर्न में कुछ कोलेट्रल या सिक्योरिटी लेता है जिसके बिहाफ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है ये क्लीन वर्ल्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी अनसिक्योर्ड फॉर्म में ही बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा तो चलिए समझते हैं अ क्लीन ओवरड्राफ्ट क्या है क्लीन ओवरड्राफ्ट रिफर्स टू एन अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक भी प्रोवाइड कर सकता है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक क्लीन ओवरड्राफ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है इट इज क्लीन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी कोलेट्रल और सिक्योरिटी टू बैक द ओवर ड्राफ्ट क्लीन वर्ल्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी या कोलेट्रल नहीं देनी होगी बैंक में अकाउंट होल्डर को कोई भी कोलेट्रल या सिक्योरिटी गिरवी कुछ नहीं रखना होगा द इंस्टेड द बैंक ग्रांट्स दिस फैसिलिटी बेस्ड ऑन द अकाउंट होल्डर्स क्रेडिट वर्दीनेस इनकम एंड रीपेमेंट कैपेसिटी ये बैंक अच्छा इतनी अच्छी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो क्या रीजन है उसका उसका रीजन ये है कि जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी होगी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी होगी इस तरह की कंडीशंस uh, को वो सेटिस्फाई करते हैं अगर कस्टमर्स या अकाउंट होल्डर तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है क्लीन ओवरड्राफ्ट की तो चलिए इसके समझते हैं कुछ फीचर्स अनसिक्योर्ड मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कोई भी क्वालल नहीं रखवानी पड़ेगी इसलिए ये एक इसका फीचर बन जाता है दैट इट इज़ अनसिक्योर्ड क्रेडिट बेस्ड अप्रूवल जो होता है क्लीन ओवर ड्राफ्ट में कि कितनी लिमिट होगी वो उनके क्रेडिट वर्दिनेस uh, पे डिपेंड करेगा कि उनकी क्रेडिट क्रेडिट स्कोर क्या है इन सब चीजों पे अप्रूवल इज यूजुअली बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक क्रेडिट स्कोर अकाउंट की हिस्ट्री चेक करेंगे कि इनका एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन रहता है उसी हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी डिसाइड हो जाएगी क्लीन ओवरड्राफ्ट में सैलरी कितनी डिपॉजिट होती है हर मंथ इसके बेसिस पे भी वो लिमिट डिसाइड कर लेते हैं और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं फ्लेक्सीबल यूजेज यू कैन विद्रॉ अप टू अ प्री अप्रूव्ड लिमिट एज एडवेंट नीडेड यहाँ बताया मैंने एक प्री अप्रूव्ड लिमिट होती है उसके बेसिस पे क्रेडिट क्लीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है अभी जैसे आपने देखा होगा बैंक्स से मैसेज आता है कि आपको फ्री में फाइव लाख तक का लोन मिल जाएगा तो वो क्लीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ही टाइप का वो है ऑफर जो आता है वो वो आपके लास्ट वन ईयर या फाइव ईयर के ट्रांजेक्शंस को देख लेते हैं कि कितना एवरेज बैलेंस ये मेंटेन रखते हैं उसी के बेसिस पे क्लीन ओवड्रा फैसिलिटी ऑफर करता है बैंक नेक्स्ट इसका एक फीचर है इंटरेस्ट चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट यूज सपोज फाइव लाख की लिमिट है मेरी हमने सिर्फ एक ,00 ही लाख यूज वन लाख ही यूज किया है तो वन लाख ,00 पे ही इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा जो भी उनका इंटरेस्ट चार्ज होगा रीपेमेंट इसका रीपेमेंट जो है जो अकाउंट होल्डर है उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किया जाता है कि कितना रीपे हम कर देते हैं एक लाख अगर हमने लिमिट को यूज किया वैसे जितना जल्दी हम पे करेंगे उतना कम इंटरेस्ट पड़ेगा सो दीज आर द फीचर्स ऑफ क्लीन ओवर अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां क्लीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलने के चांसेस होते हैं जिसमें एक सबसे पहला है सैलरी ओवर ड्राफ्ट सैलरी मेरी कितनी क्रेडिट हो रही है हर मंथ उसके बेसिस पे मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जा रही है विदाउट एनी सिक्योरिटी तो ये एक एग्जाम्पल हो गया क्लीन ओवर ड्राफ्ट का दैट सैलरी ओवर नेक्स्ट इज टेम्प्रेरी क्रेडिट एक्सटेंशन ये क्रेडिट uh, एक्सटेंशन जो होता है एक अनसिक्योर्ड होता है यहां पे सिंपली जो भी कस्ट अकाउंट होल्डर है या कस्टमर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके uh, उसके लिए ये क्या करते हैं ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो ट्रस्टेड कस्टमर्स होते हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बीस साल से हमारे कस्टमर है बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो उनकी ट्रस्ट uh, वर्दिनेस uh, के बेसिस पे यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है क्लीन ओवरड्राफ्ट में so the, this is also a source of finance for business from business point of view which is short term source of finance